क्वेश्चन दो का सवाल है क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू कोलम इज क्यू इन टू टेन टू दावर इलेवन वोल्ट हमारा सवाल ये है हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या होगी सिंपल uh, सवाल है बेसिक्स यहाँ पे आपके क्लियर होने चाहिए थोड़ा सा मैनुपुलेशन करवा लिया है सवाल मुश्किल का कतई नहीं है ना एक आपका अगर ये पॉइंट पी यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज और ये आपका कोई पॉइंट पी है हमें यहाँ पे पता है पोटेंशियल इसकी वजह से होता है के क्यू बाय आर आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होएगी उसको हम लिखते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर या फिर इसको वी बाय आर भी लिख सकते हैं इन क्रूड टर्म्स ये भी कोई आपका गलत नहीं है सो तो हम ये भी लिख सकते हैं राइट सो तो हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल है आ, वी उसकी वैल्यू दे रखी है क्यू इन टू टेन टू तो द पावर इलेवन विच एम्प्लाईज़ यहाँ पर हमें ये वैल्यू दे रखी है तो इसको इसको हम इक्वेट कर दें सो विच एम्प्लाइज क्यू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर इलेवन इज इक्वल टू के क्यू बाय आर इसका मतलब ये हो गया कि आर की जो वैल्यू है या वन बाय चलो वन बाय आर नहीं आर ही लिख लेते हैं तो आर की वैल्यू जो है वो हो गई के डिवाइडिड बाई टेन टू द पावर इलेवन ये आपकी आर की वैल्यू आ गई ना इस वैल्यू को अगर हम यहाँ फिट इन कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर होएगी वी बाय और वी की वैल्यू है क्यू इन टू टेन टू द पावर इलेवन q इन टू टेन टू पावर इलेवन डिवाइडेड बाय आर आर है आपका नीचे आ गया के मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर इलेवन नहीं टेन टू द पावर ऊपर चला जाएगा टेन टू द पावर इलेवन ये आ गया आपका राइट सो के को अगर हम एक्सपेंड करके जो चार ऑप्शन है उसके बेसिस पे अगर हम के को एक्सपेंड करके वन बाय फोर लिख दें तो so आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई फोर पाए एप्सलोनॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू ट्वेंटी टू सो so, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर